अच्छा जो तुम झिलमिल साबुन और सूरत शूटिंग की एडवर्टाइजिंग करती हो, ये सिर्फ रुपयों के लिए करती हो या इन पे यकीन भी होता है? यकीन क्यों नहीं करूंगी हा? अगर तुम इस वक्त सूरत शूटिंग में होते ना तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में छुपा लेती। कैसे? ऐसे। भारतीय एडवर्टाइजिंग की सच्चाई पर मेरी आस्था फिर से लौट आई है। Oh my God, मेरे धधकते हुए फ्लैट में जाने के नाम से मुझे बुखार सा आ जाता है। 4,000 महीने देती हूँ मैं इस नर्क का। मेरी तो समझ में नहीं आता ये बड़े बड़े बिल्डर ये स्विमिंग पूल, ग्रेनाइट और टीवी एंटीना लगा सकते हैं तो एक छोटा सा एयर कंडीशन क्यों नहीं लगाते कमरे में? स्टूपिड। मालूम है कल रात मैंने काम करने वाले लड़के को 50 रुपए दिए। 50 रुपए? हाँ, रात भर पंखा चलता रहा बेचारा। सुनिए, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए मेरे फ्लैट में आ सकती हैं। फिर तो आपको वापस जाना ही है हाथ पंखे की हवा खाने। बेचारा। मैं वैसे अपने फ्लैट में 24 घंटे एयर कंडीशन ऑन करके रखता हूँ। कभी कभी तो कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है, इतनी ठंड हो जाती है। चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं। अच्छा तो चलिए थोड़ी ठंडी हो लीजिए। हाँ, देखा कैसा एसी चल रहा है। मैं कहीं भी रहूं सबसे पहले ये देखता हूँ कि भाई हर कमरे में एसी लगा है कि नहीं, चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो। मेरी समझ में नहीं आता बिना एसी के लोग कैसे रहते हैं। मैंने कहा था ना गवैया रहता है यहाँ, वही जो फिल्मों में गाना गाता है। मेरा भगत, वो तुम्हें भी गाना सुनाना चाहता है, उसे ले आओ। वो क्या करेगा यहाँ? तुम्हें जो गाना सुनना है वो मिल जाएगा ना, हमारे पास सारे कैसेट्स और सीडीज हैं यहाँ पर। नहीं, एसी रूम और सामने बैठा कोई दर्द भरी गजल सुना रहा हो उसका मजा ही कुछ और है। और जानते हो उसने सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीदी है। हम तीनों से घूमने निकलेंगे हाँ, लॉन्ग ड्राइव पर, बड़ा मजा आएगा। उस गवैये का साथ जाना जरूरी है क्या? अरे वो भी तो यही कह रहा था, उस बुढ़े का हमारे साथ जाना क्या जरूरी है। मैं शरबत लेकर आता हूँ। इट्स वंडरफुल, ऐसा लगता है दिन भर यही बैठी रहूं। पता नहीं तुम्हें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण साइको एनालिसिस के बारे में मालूम है कि नहीं, मगर मेरी तो ये हॉबी है। मैं तो हमेशा मन में छिपी हुई भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश में लगा रहता हूँ। 500 रुपए दिए थे सड़े हुए टेबल फैन के लिए, 2 दिन में ही खराब हो गया। मैं फौरन वापस कर देती लेकिन खरीदने की रसीद ही गुम हो गई। 40 घंटे पहले हम दोनों अजनबी थे, अब तुम मेरे साथ बैठी यहाँ हवा खा रही हो, ये शरबत भी पियोगी। ये सब हुआ कैसे? हम कैसे मिले, क्यों मिले? इसका जवाब है हमारे मन की गहराइयों में छिपी हुई अज्ञात इच्छाएं। अगर दुकानदार ने पंखा वापस ना लिया तो मैं और रुपए डालकर एक बड़ा सीलिंग फैन खरीद लूंगी। लेकिन आज रात क्या होगा, मुझे नींद कैसे आएगी? तुम क्या सचमुच यही समझ रही हो कि ढेर सारा सामान लेकर तुमने मुझे अपना फ्लैट खोलने के लिए यूं ही बुलवाया? हाँ, सारा सामान नीचे रखकर भी तो फ्लैट खोल सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने मुझे देखा और तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें उकसाया। फिर तुमने दोनों हाथ जानबूझकर बांध कर रखे ताकि मैं तुम्हारी पतली कमर में हाथ डालकर चाबी निकाल सकूं और दरवाजा खोलूं। आई नो। और अगर मैं साफ साफ कह दूं तो जरूर मान जाएंगे, आदमी शरीफ है। हम सब सभ्यता की चादर ओढ़े हैं लेकिन अंदर सब वहशी हैं, जंगली हैं। एक बार ये चादर हटी तो फिर इसे वापस लाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं तो कहूंगा नामुमकिन है। फिर क्या करोगी है? पैसे बारे में सोच रही थी, मेरा मतलब है कि नहीं क्या डालो, शर्माती क्यों हो? हम सब सभ्यता की चादर ओढ़े हुए हैं।
आजाद मैं यहीं सोऊंगी। मैं आजाद तुम्हारे फ्लैट में रहूंगी, प्लीज। क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं, एतराज की कोई बात नहीं है, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। मुझे उस धधकते हुए नर्क में जाने को मत कहो, तुम जानते हो मैं 3 रात से नहीं सोई, कल फिर शूटिंग है, मैं चाहती हूँ कल फ्रेश होकर काम पर जाऊं। मैं ये कुर्सी पर पड़ी रहूंगी, मुझे तकिए की भी जरूरत नहीं है। हाँ सो ना, मना कौन करता है, हम सब वैशी जंगली थोड़ी हैं, सब भी इंसान हैं। थैंक यू सो मच, तुम कितने अच्छे हो। तुम सुबह कितने बजे उठोगे? यही कोई 8 बजे, क्यों? मैं जाने से पहले तुम्हारा नाश्ता बना दूंगी, मुझे आता है। नाश्ता? हाँ। नाश्ता बनाकर जाओगी? मान लो तुम्हें किसी ने यहाँ से निकलते हुए देख लिया 8 बजे, कम होकर भी इस बिल्डिंग में काफी लोग रहते हैं, अगर किसी ने निकलते हुए देख लिया तो फिर गई गाड़ी। फिर मैं सुबह 6 बजे उठकर खिसक जाऊंगी। छह बजे किसी ने खिसकते हुए देख लिया तो फिर उसका मतलब समझती हो ना? लेकिन हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? वो तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, लेकिन हम एक समाज में रह रहे हैं, सामाजिक तौर तरीके हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन हम अकेले नहीं रह रहे, हमें समाज में रहना है। कौन है? मैं रवि। भाई साहब, ओह लग गई क्या? हाँ। ओ ले 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 ले। क्या है, जब भी आप आते हो अर्रा कर घुसे आते हो, और ये क्या लिया है? मैंने तो भालू लाने को कहा था। भाई साहब बाकी खिलौने तो छोटे छोटे मिल रहे थे, भाई साहब ये 2.5 फीट की तो सिर्फ गुड़िया ही मिली, आप इसे रख लीजिए, बच्ची को अच्छी लगेगी। बच्ची को गुड़िया नहीं चाहिए, वो बच्चा, उसे भालू चाहिए। अब ऐसा करिए इसे फौरन वापस करके आइए। भाई साहब आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर नहीं, उसके लिए क्राफ्ट मार्केट जाना पड़ेगा। आप इसे रख लीजिए, आपके बेटे को पसंद आएगी। अरे लेकिन मुझे पसंद नहीं आएगी ना, आप इसे वापस करके आइए, मैं बाजार से जाकर खुद भालू या बंदर ले आऊंगा, आप जाइए। अरे आप क्यों जाने लगे, मैं जाऊंगा ना। आप इसे, भाई साहब इसे रख लीजिए, मैं यहीं पर बैठता हूँ, फिर दोनों इकट्ठे शादी में चलेंगे। नहीं, नहीं आप यहाँ नहीं बैठेंगे, आप इसे वापस करके आएंगे अभी। अरे कह तो दिया कि वापस कर दूंगा, अब आज वापस करूं या कल वापस करूं उससे क्या फर्क। क्या बात है क्या कह रहे हैं? एक्चुअली आई एम सॉरी भाई साहब, अब मैं इसे वापस करके आता हूँ। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में किसे पड़ी है खिलौनों की? कैसी सिचुएशन में, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अब अच्छा भाई साहब चलता हूँ, बेमौके आ गया, आई एम सॉरी। देखिए मिस्टर रविंद्रनाथ, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, दरअसल बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप खामखा में परेशान हो रहे हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला, एक्चुअली शादी ब्याह के मामले में ऐसा तो चलता रहता है। कैरी ऑन। ज्यादा होशियार मत बनिए, ये महिला हमारे साथ वाले फ्लैट में रहती है, इनका पंखा खराब हो गया था इसलिए एसी की हवा खाने इस फ्लैट में आ गई थी। हाय कितना सुंदर खिलौना है। हाय अच्छी है ना? मिस्टर रवि ये एसी के सामने घंटा आधा घंटा बैठेंगी फिर चली जाएंगी, आप बिना वजह ख्याली पुलाव मत पकाइए। हाँ जाइए। हाय व्हाट अ लवली लिटिल डॉल, मैं जरा देख सकती हूँ उसे? श्योर। मैं अभी भी शूटिंग से आ रही हूँ, ये भी थे मेरे साथ। सोचा थोड़ी देर एसी रूम में सुस्ता लूं, बस थोड़ी देर में नहाने चली जाऊंगी। सुन लिया आपने, ये थोड़ी देर में नहाने चली जाएंगी अपने फ्लैट में 402, आप बिना वजह किसी पर शक मत करा करिए, ये अच्छी बात नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं क्यों शक करने लगा। वाह क्या चीज है। कौन? अब नहीं ये खिलौना। आप इसे ले जाइए, डॉल को ले जाइए आप। मैं इसे रख सकती हूँ, कितनी प्यारी है ना। श्योर आप जरूर रख सकती हैं। थैंक यू, ये आप ही की तो है अजय जी की तरफ से। क्या? नहीं नहीं मेरी तरफ से। गुड नाइट। ओके गुड नाइट मैम। गुड नाइट एंड थैंक यू। गुड नाइट टू यू। गुड नाइट मिस्टर रवि, प्लीज। गुड नाइट भाई साहब। यस गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। यस एंड हैव अ गुड टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा आपने कैसे लोग हैं बंबई के,
एक औरत और मर्द को साथ में देख लिया तो अटकले लगाने लगे। अब भलाई इसी में है कि आप भी यहाँ से जाइए। पर आई एम सॉरी, मगर क्या करें। इट्स ऑल राइट, मैं समझती हूँ, हमें समाज में जो रहना है। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। हाँ ठीक है।